महाप्रभु अखिलेश यादव का जन्मदिन पूरे देश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मनाया जा रहा है और आज गोरखपुर के बेतिहाता हनुमान मंदिर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता का हवन पूजन करके यहां पे दीर्घायु की कामना करते हुए ईश्वर से आज जन्मदिन मना रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक सफलता हुई है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से समाजवादी पार्टी के लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उसी क्रम में आज अपने प्रमुख समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का जन्मदिन कार्यकर्ताओं के द्वारा हनुमान मंदिर पे हवन पूजन करके मनाया जा रहा है। यहाँ पे बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और अपने लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन आज मना रहे हैं। सुबह हनुमान जी का दर्शन करने के बाद यहाँ पे हवन पूजन करके अपने नेता के दीर्घायु के ईश्वर से कामना कर रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता हैं और इनसे हम बात करेंगे। मनोरंजन जी, किस प्रकार से आज अध्यक्ष जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है? आज हम सभी समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, इवन समाजवादी पार्टी के स्थापना काल में भी जो नेता रहे, आदरणीय श्री जगदीश यादव जी, आदरणीय श्री चंदबली यादव जी, संजय पहलवान जी, जिला पंचायत के सदस्य हैं श्री शक्तिनंदन यादव जी, रवि, तमाम सब लोग हैं और आस्था अंसारी भी हैं, दूसरे धर्म के लोग भी अपने यहाँ पूजा किए ही, चदर चढ़ाई इस यहाँ पर भी आकर के खड़े हैं, जाहिद हैं, तमाम लोग हैं, तो उत्कर्ष है पांडे, तो तमाम लोगों की जो भावना है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी जो समाज के प्रति उनकी सोच है, गरीब कमजोर के प्रति जो सोच है, उस सोच के लिए वह दीर्घायु हो ताकि उन लोगों का भला हो सके, उसके लिए आज बेतिहाता हनुमान मंदिर में आकर के सभी समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता ने हवन पूजन का काम किया। हम और कार्यकर्ताओं से, कुछ और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो समाजवादी पार्टी के स्थापना काल से यहाँ पे मौजूद हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं चंदबली यादव जी, क्या कहना चाहेंगे? आज आपके नेता का जन्मदिन है, काफी हर्षोल्लास। आज हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है। हम पार्टी के सभी बड़े लोग, जगदीश यादव जी, मनोरंजन यादव जी, संजय पहलवान जी और सभी सम्मानित कार्यकर्ता इकट्ठा होकर उनकी लंबी आयु की कामना करते हुए, शुभकामना देते हुए बेतियाहाता के हनुमान मंदिर पर एक हवन कुंड में हवन किया गया है और ईश्वर से प्रार्थना किया गया है कि उनको लंबी आयु दे ताकि उस इस देश के कमजोर, दलित, शोषित, गरीब की मदद आजीवन करते रहे। चुनाव में देखा जाए, जन्मदिन के पहले ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक बड़ा तोहफा उनको दिया चुनाव में ऐतिहासिक विजय के साथ। जी जी, एक्चुअली हमेशा वो गरीबों के मददगार रहे हैं, दबे कुचले शोषित लोगों को, जो कमजोर तबके के लोग हैं, हमेशा उनकी मदद करते रहते हैं, बड़ी ऊंची सोच रखते हैं, इसीलिए अब की आम जनता उनके प्रति इस आशा से वोट दिया कि वो आगे भी इसी तरह से गरीब, कमजोर, दलित, शोषित समाज का, वंचित लोगों की मदद करते रहे। हम इस समय हनुमान मंदिर पे, बेतिहाता हनुमान मंदिर पे थे जहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन हवन पूजन करने के साथ प्रभु से दीर्घायु की कामना करते हुए कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया।